सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल सिंपल लिविंग विद शेफर और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो है मेरा हाउ टू ऑर्गेनाइज योर मेडिसिन बॉक्सेस। क्योंकि घर में अगर बच्चे होते हैं तो मेडिसिन्स तो बहुत हो जाते हैं और जब भी मेडिसिन एक्सपायर करे तो उसे सबसे पहले उसे हटा दीजिए, उसे फेंक दीजिए, क्योंकि पूरा जंबल करके रखना वो भी अच्छा नहीं रहता और एक्सपायरी मेडिसिन देने से तो नुकसान सभी जानते ही हैं। तो मैं किस तरह अपने मेडिसिन बॉक्स को ऑर्गेनाइज करती हूँ, मेडिसिन बॉक्स भी है और कैबिनेट भी है, मैं दोनों चीज़ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ और हमेशा हर 6 महीने पे मैं चेक करती रहती हूँ कि कौन सी दवा एक्सपायर कर गई है तो वो उसे मैं हटा देती हूँ। तो मैंने अपने पैकिंग जो ट्रैवलिंग पैकिंग का वीडियो बनाया था उसमें मैंने किस क्या क्या चीज़ मेडिसिन ले गई थी उसमें मैंने दिखाया है आपको, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह अपना मेडिसिन बॉक्स एंड कैबिनेट ऑर्गेनाइज करती हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ 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 डू कमेंट्स। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, ये है मेरा कैबिनेट, मेडिसिन कैबिनेट, क्योंकि इसके ऊपर टीवी रखा है तो इसके नीचे जो एरिया था उसमें कैबिनेट बना है तो उसको उसमें मैं मेडिसिन स्टोर करती हूँ। तो आइए मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या रखा है। ये मेरा है कैबिनेट, नीचे में मैंने कुछ ऐसे लैंप वगैरह रखा है जो जिसमें मेडिसिन नहीं है, लेकिन ऊपर वाले में सारे मेडिसिन और मेडिकल के रिलेटेड जो भी है सारी चीज़ें ऊपर में हैं। तो मैं वन बाय वन करके आपको दिखाती हूँ। सारी मेडिसिन है तो मैं इसे आपको क्लोज करके मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बॉक्स खोल के दिखाऊंगी, बहुत सारे बॉक्स बने हुए हैं उसमें क्या क्या है मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसे खोलती हूँ, इसमें देखिए ये मेडिसिन हैं। इसमें कुछ जरूरी मेडिसिन हैं, जैसे अब सबसे बड़ा ये देखिए पाउडर है, कभी बच्चों को चोट लग गया, ये सिप्ला का है, वो डस्टिंग पाउडर है तो चोट वगैरह लग गया तो उसे लगाने के काम में आता है। उसके बाद ये भी चोट के लिए ही होता है, कभी बच्चे खेलते हैं तो बीटाडीन है ये, तो उसको भी यूज़ करते हैं। और कभी कभी पैर में अगर दर्द है, जॉइंट में है तो उसके लिए भी मैं रखती हूँ। उसके बाद कुछ जैसे पुदीन हरा है या कुछ गैस वगैरह हो जाता है पेट में तो उसके लिए, तो इस तरह से मैं पैक करके इकट्ठा रख देती हूँ। इसमें आपका पैरासीटामोल भी है अंदर में, ये बच्चों के फीवर की दवा, खांसी और पेट दर्द की भी दवाएं हैं और ये सब आप देख रहे हैं, ये विक्स वेप्रो, ये जो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है वो सारी मेडिसिन मैं इसमें रख दी हूँ। इसमें कभी चोट के लिए पट्टी करना है, हैंडी प्लस घर में हर ज़रूर होना चाहिए, कभी किचन में मेरे ही कभी फिंगर्स कट जाते हैं तो उसके काम में आता है। और ये है पेट दर्द की दवा, जो अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज़रूरी होता है पेट दर्द वॉमिटिंग की दवा घर पे रखना, ये है वॉमिटिंग की दवा जो मैंने लिख ऊपर में लिख कर रख दिया है किस कैसे कैसे देना है। कभी नाइट में बच्चे बहुत वॉमिटिंग करने लगते हैं तो आपको डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है तो आप घर में ही इन सब छोटी चीज़ों को रख के आप अपने घर में ही इलाज कर सकती हैं। और ये है कभी बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाता है स्कूल से आते हैं तो उसके लिए ये
फ्रूट लाइट मैं हमेशा रखती हूँ, तो कभी पॉटी ज़्यादा हो गई तो उसके लिए भी काम आता है। तो ये एक ORS का गोली है जो ऑरेंज फ्लेवर में है। तो इस तरह मैं अपना मेडिसिन बॉक्स ऑर्गेनाइज करती हूँ। और ये है थर्मामीटर, दो तरह के थर्मामीटर रखी हूँ मैं, एक इस तरह का और एक। तो ये मेरा एक मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन बॉक्स है। मैं एक ही बॉक्स में सारी चीज़ें रख लेती हूँ, ज़्यादा जंबल नहीं करती, ये बॉक्स अलग वो बॉक्स अलग। और इसमें मैं सारी कॉटन रखी हूँ, कभी भी मुझे ज़रूरत हो मैंने एक जगह सारी कॉटन को रखा है। तो ये रहा मेरा पहला बॉक्स ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद मैं दूसरा बॉक्स दिखाती हूँ। इसमें वो सारी पट्टियाँ होती हैं, जब कभी बच्चों को खेल के आते हैं, कभी घुटने में दर्द है तो विक्स लगा के मैं इसे ये पहना देती हूँ, तो उससे काफ़ी आराम होता है। कभी मुझे भी ऐसा कभी दर्द हुआ या चोट लग गई तो ये सब चीज़ें बहुत काम में आती हैं। इसमें एक है एड़ी के दर्द में काफ़ी रिलीफ मिलता है, वो भी मैं रखी हूँ। कभी आप एड़ी में अगर आपको दर्द है तो शूज़ के अंदर ये डाल लीजिए। ये देखिए इस तरह डाल के आप पहनिए, काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो ये कभी कभी यूज़ आता है तो वो भी मैं रखी हुई हूँ, अगर इससे रिलीफ ना मिले तो आप डॉक्टर के पास जाइए, बट मुझे इससे काफ़ी रिलीफ होता है तो मैं इसे पहनती हूँ, इसे यूज़ करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं एक बॉक्स में रखी हुई हूँ। उसके बाद मेरे छोटे बच्चों को काफ़ी निमुलाइजर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, देना पड़ता है उसे, तो उसके लिए इस तरह का एक निमुलाइजर है जो मैं घर में यूज़ करती हूँ। उसके वायर्स मैंने इस तरह के बॉक्स में करके रखा है, जो खोल के आपको दिखा रही हूँ। इस तरह का जो मास्क होते हैं ये सारे मैंने इस तरह रखा है ताकि जब ज़रूरत हो तो मुझे इजली मिल जाए, कभी मुझे ढूंढना ना पड़े। तो ये बॉक्स था तो उसे मैंने यूज़ कर लिया है, इसमें अटैच करके ये वायर्स इसको यूज़ करती हूँ। दूसरा है स्टीम देना, कभी कभी सर्दी हो जाती है या मुझे फेशियल के बाद स्टीम की ज़रूरत होती है तो मैं इस तरह यूज़ करती हूँ। कभी बच्चों को सर्दी है या मुझे भी सर्दी है तो मैं इस तरह का स्टीम यूज़ करती हूँ। तो इसे भी मैंने बॉक्स में रखा, मैं बॉक्स फेंकती नहीं हूँ, मैं बॉक्स को इस तरह करके रखती हूँ, सेफ भी रहता है और ऑर्गेनाइज भी रहता है। तो इस तरह मैंने इसे रखा है। उसके बाद जब मैं अगर ट्रैवलिंग के लिए जाती हूँ तो मैं निमुलाइजर लेकर ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को हमेशा ज़रूरत पड़ता है। तो वो इस तरह का मैंने ख़रीदा है, कॉम्पैक्ट है, बहुत अच्छा रहता है, छोटा है, तो इस तरह है ये। ये काफ़ी कॉस्टली है बट कॉम्पैक्ट है, अच्छा रहता है ट्रैवलिंग के लिए, तो बहुत अच्छा रहता है। इसमें सारे मास्क भी आए हैं, वायर्स हैं, और इसमें एक छोटा सा बैग दिया है, जब आप बाहर जाएं तो इसे लेके जाएं। ये इलेक्ट्रिक से भी चलता है और सेल से भी चलता है, दोनों चीज़ आप यूज कर सकते हैं। ये इस तरह का बैग है, बस सारी चीज़ें आप इसमें डाल लें, सबके स्पेस दिए हुए हैं और आप इसको ले जा सकते हैं बैग में, ट्रैवलिंग बैग में रख सकते हैं। तो ये मेरा रहा मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन। और मैं इस कबर्ड में, मैं कबर्ड भी आपको दिखा चुकी हूँ जिस तरह मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ अपनी मेडिसिन। मैं ज़्यादा बोले बॉक्सेस यूज नहीं करती हूँ, जितनी ज़रूरत है उतनी ही रखती हूँ। तो व्यूअर्स, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।